आविष्कार एवं साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा जयपुर में हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित लघु प्रदेश साहित्यकारों की पुस्तकों का संकलन आम जन के लिए प्रस्तुत किया है। यह पुस्तकें अक्सर दुर्लभ हैं और उनकी कीमत भी बाजार से काफ़ी कम है। प्रदर्शनी के दौरान ये पुस्तकें इस क्षेत्र के स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है। आइए देखते हैं कुछ पुस्तकों के बारे में। यह पुस्तक संस्कृत आधारित है। प्रश्न बन रही है, इसमें संस्कृत से संबंधित बहुत सारी जानकारी है। इसी तरह संस्कृत से संबंधित साहित्यकार द्वारा पुस्तक संस्कृत प्रतिभा है, जिसमें संस्कृत के बारे में बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध है। पांडुलिपि स्पष्ट है तथा जो अक्षर इस्तेमाल किए गए हैं जो वह भी पाठ्यजनक है। अंग्रेजी में मिस्टर घोष ने रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक पुस्तक लिखी है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित लगभग सारी जानकारी उपलब्ध है। इसी तरह संत तुकाराम पर एक पुस्तक उपलब्ध है, लेकर सब इंडियन लिटरेचर के नाम से। इसी क्रम में कंटेम्प्रेरी पंजाबी शॉर्ट स्टोरीज एंथोलॉजी नाम की पुस्तक है, इसे मंजीत इंदर सिंह ने लिखा है। पुस्तकों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है टाउन एंड दी कंट्री साइड। यहाँ महाभारत संबंधी एक पुस्तक देखने को मिलती है, जिसे RN कांडेडकर ने लिखा है। इस पुस्तक में महाभारत से संबंधित वे सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जिसे आम पाठक पढ़ना चाहता है। ये जानकारियाँ आलेख के रूप में है जो इस जानकारी को विविध रूप से प्रस्तुत कर रही है। ले लीजिए थे इस संस्थान का मासिक पत्र है, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। इसमें विभिन्न लेखकों के आलेख प्रकाशित होते हैं। इसी तरह समकालीन भारतीय साहित्य पर भी पुस्तक है, जिसे साहित्य अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका है। इसकी अब तक 159 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। सच्चिदानंद वात्स्यायन द्वारा अनुवादित रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा उपन्यास भी इस प्रदर्शनी में उपलब्ध कराया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की दुर्लभ पुस्तक आँख की किरकिरी भी प्रदर्शनी में उपलब्ध है, जिसका अनुवाद हंस कुमार तिवारी ने किया है। मुझे प्रेमचंद की कहानी अपना अपनी आएगी किस पुस्तक में आगे बताओ द्वारा रचना संचयन भी उपलब्ध है, जो मूलतः बाजार में उपलब्ध नहीं होता। इसी तरह रामधारी सिंह दिनकर जो कि राष्ट्रीय कवि थे, उनके बारे में भी पुस्तक चयन एवं संपादन विजय कुमार विमल द्वारा किया गया। शेक्सपियर की पुस्तक ऑथेलो का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, जो आम पाठकों के लिए रुचिकर साबित हो सकता है। आज मुंशी प्रेमचंद इस प्रदर्शनी में बहुत सारा साहित्य उपलब्ध कराया गया है।